हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो है जॉय का ये उपटन फेस वॉश। तो इस फेस वॉश के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, क्योंकि अगर बेल बटन आप हिट नहीं करोगे तो जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है नया जॉय का उपटन टैन रिमूवल एंड ब्लेमिश मिनिमाइजिंग फेस वॉश। क्योंकि ये एक उपटन फेस वॉश है और उपटन तो सभी को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मुझे जॉय का पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जॉय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब मैंने ये उपटन फेस वॉश देखा तो मैंने सोचा मैं एक बार इसको ट्राई करके देखे। तो इसमें है सैफ्रन, सैंडलवुड एंड टर्मरिक, जो लाइटन टैन इवन आउट कम्प्लेक्शन टू रिवील नेचुरल ग्लीमिंग ग्लो। तो ये एक ग्लो भी देता है। और ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड प्योर नेचुरल गुडनेस। तो इसका जो क्वांटिटी है वो है 150, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 150 है इसका क्वांटिटी। और बैक में आपको इसका जो प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट, वो सब आपको मिल जाएगा। तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 इयर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये है 6/21 से लेकर 5/24 तक, काफ़ी मतलब मैंने जैसे कहा 3 साल की इसका शेल्फ लाइफ है। और यहाँ पर बहुत ही स्मॉल लेटर्स में एट द बैक ऑफ द ट्यूब आप देख सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल लेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। क्योंकि ये उपटन है, उपटन फेस मास्क फेस वॉश है, तो इसमें सारे वो चीज़ें डाली गई है जो उपटन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लूट, सैफ्रन, रोज़ वाटर, फिर वॉलनट बीट्स और आमंड ऑयल, ये सब यूज़ किया हुआ है इसमें। और इसके जो बेनिफिट्स है हमारे स्किन के लिए, ये सब मल्टी एक्शन जो बेनिफिट्स होते हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स के हमारे स्किन के ऊपर, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये स्पॉट्स रिड्यूस करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, फिर इवेंस आउट योर स्किन और टैन रिमूव करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो देता है ये उपटन फेस वॉश, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो ये था, ये सब मेंशन किया हुआ इस ट्यूब में, और ट्यूब भी येलो कलर की और जिसका ब्राउन कलर की एक फ्लिप टॉप कैप है, थोड़ा सा निकल आया। तो अब चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट कैसा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो प्राइस है बताना भूल गई थी, तो प्राइस है 195, लेकिन ये मुझे 146 रुपीस में मिला। येलोइश कलर की ये प्रोडक्ट है और वेरी थिक है, और जब आप फेस वॉश करते हो तो इसके छोटे छोटे जो बीड्स है, वॉलनट्स बीड्स डाला गया है इसमें टू एक्सफोलिएट योर स्किन प्रॉपरली। जब आप फेस वॉश करते हैं तो इट्स माइंडली क्लेंसेज योर फेस। तो ट्यूब को ओपन करते हैं और प्रोडक्ट मेरे को अपने हाथों में लेते हैं, तो इतने बढ़िया सा, इतने अमेजिंग इसका स्मेल है, मैं क्या बताऊँ। मुझे वैसे नॉर्मली स्मेल वाले प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा है। एक अच्छा सा फीलिंग आता है जब आप ये फेस वॉश को अपने चेहरे पर लगाते हो, और ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको आपके जो फेस को क्लीन करता है, जो डर्ट है उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, और थोड़ा सा भी ड्राई आउट नहीं करता है। और मुझे लगता है ये एवरी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, जो ऑयली स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश आपको थोड़ा सा भी ड्राइनेस नहीं लगेगा और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जेंटली स्क्रबिंग का भी काम करता है। तो जब ये फेस वॉश करते हो तो आपको अलग से स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ये जेंटली स्क्रब कर देता है। तो स्मेल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा लगा,
आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसका छोटा क्वांटिटी आता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, अगर आप खोज कर सकते हैं आपके लोकल मार्केट में दुकान पे, जो अगर आपको मिल जाता है तो आप एक बार ज़रूर ज़रूर से इसे ट्राई करना। मेरे रिव्यू इस फेस वॉश के बारे में। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसे से इसको ख़रीदा है और ये एकदम मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है मैं आपको दे रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।